हेलो फ्रेंड्स आप सभी का फाउंडेशन ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग ने जो हमारे आउटपुट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या क्या कमांड्स होते हैं उनके बारे में बात करना शुरू किया था और उसमें हमने प्रिंट और कैट के बारे में सीखा था तो प्रिंट और कैट क्या करते हैं वो हमारा जो भी आउटकम है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के अपने अपने कार्य अलग अलग होते हैं और दोनों में कुछ अंतर भी होता है तो हमने उन अंतर को भी समझने की कोशिश कर रही थी अब उसी डिस्कशन को आगे लेकर के आते हैं और आज हम पेस्ट कमांड के बारे में सीखेंगे अब जो हमारा वर्ड होता है पेस्ट अंग्रेजी का इसका मतलब क्या होता है पेस्ट माने हिपकाना ज्वाइन करना अब देखिए आप जब भी कभी डेटा मैनिपुलेशंस की बात कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे करैक्टर वैक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको आप आपस में ज्वाइन करना चाहते हो राइट right? जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा नाम है जैसे हम कहें कि माई नेम इज़ शलब तो माई हमारा एक करेक्टर है नेम हमारा एक अलग करेक्टर है इज़ हमारा एक अलग करेक्टर है शलब हमारा एक और करेक्टर है हम जिस चारों इन स्ट्रिंग्स को एक साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने पेस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो स्पेस कमांड का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं या किस प्रकार से कार्य करता है और उसके भिन्न भिन्न क्या क्या उपयोग होते हैं इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं अब देखिए जो हमारा पेस कमांड का जो कमांड होता है वो होता है पेस्ट पी एस टी ई और इस पैरेंथिस के अंदर हम अपना हम जिन जिन स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं हम उनको लिख देते हैं राइट right. अब इस पर खास बात क्या होती है कि ये वाला कार तो हम कैट कमांड के थ्रू भी करते थे ये जो पेस फंक्शन होता है इसकी कार्य प्रणाली और कैट की कार्य प्रणाली में थोड़ा सा फर्क होता है जो पेस कमांड होता है ये हमारा क्या करता है कि ये हमारी सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन कर देता है एंड टू एंड और जो इसका पेस्ट का कमांड होता है पेस्ट का जो आउटपुट होता है पेस्ट कमांड का उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और यह संभावना कैट के अंदर नहीं होती है तो देखिए ये आपका आ, पेस्ट और कैट में एक मुख्य अंतर हो गया अब यह हमारा जो पेस्ट फंक्शन किस प्रकार से कार्य करता है तो पेस्ट का हमारा कमांड तो मैंने बता दिया आपको पी ए एस टी ई पेस्ट उसके बाद में आप यहाँ पे आपको जिन जिन स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है आप उसको दे दीजिए और साथ में हम यहाँ पे आपको सेप और कोलैप्स ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इनके बारे में बताएंगे इसके अलावा भी इसमें कुछ और ऑप्शन होते हैं जिनको आप आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम कि हेल्प के अंदर जा के समझने की कोशिश करिए तो जैसा आपने सेप के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है कि क्या होता है सेपरेटर राइट right. तो ये क्या करता है यह दो स्ट्रिंग के बीच में सेपरेशन देने के लिए हम इस सेप पैरामीटर का उपयोग करते हैं और इसमें से हमको जो भी देना है हम उसको यहाँ पे इस पैरेंथिस के अंदर ही इस सेप कमांड को लिखते हैं और यहाँ पे डबल कोर्स के अंदर हम इसका जो भी चिन्ह है या ब्लैंक स्पेस है कुछ भी देना चाहें हम उसको दे सकते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सब के बारे में पिछले लेक्चर में बात करी थी उसके बाद में हमारा यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है कोलैप्स सी ओ एल एल ए पी एस ई -E, सब कुछ लोअर केस अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा तो ये जो हमारा एक ऐसा कैरेक्टर होता है आ, कि जो हमारे भिन्न भिन्न भिन रिजल्ट्स आएंगे जो हमारे भिन्न भिन्न स्ट्रिंग्स होती हैं उनको किस प्रकार से सेपरेट किया जाए और कोलैप्स का मतलब आप अगर देखेंगे तो क्या होता है आपस में चिपका देना एक के ऊपर एक चीज़ें गिर जाती हैं तो हम कहते हैं कि चीज़ें कोलैप्स कर गई तो उसी तरह से हमारे कोलैप्स का भी हमारा इस्तेमाल होता है ये हम आपको उदाहरण के द्वारा दिखाएंगे कि इसका फंक्शन किस तरीके से कार्य करता है और अगर हम यहाँ पे पेस्ट में कुछ सेपरेटर या कुछ नहीं देते हैं तो पेस्ट में डिफॉल्ट होता है कि वो दो स्ट्रिंग के बीच में एक ब्लैंक स्पेस से उनको सेपरेट कर देता है और अगर आपको जब आपको लाइन चेंज करना है तो हम यहाँ पे अपनी बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम डबल कोर्स में दे देंगे इसका भी इस्तेमाल हम पिछले लेक्चर में कैट के साथ देख चुके हैं वही इस्तेमाल इसका भी यहाँ पर होगा अब सवाल ये आता है कि हमारा पेस्ट कार्य किस प्रकार से करता है पेस्ट क्या करता है कि पेस्ट के आर्ग्यूमेंट्स में अर्थात उसकी पैरेंथेसिस में हम जो भी कुछ लिखते हैं वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कैरेक्टर हो जो भी कुछ है वो सभी को कैरेक्टर में ही कंसीडर करता है अर्थात कि जैसे आपने एक कमान के बारे में पहले पढ़ा था एज कैरेक्टर ये क्या करता है ये हमारा कोई भी अगर एक आ, इसे उदाहरण के लिए नंबर है नाइन तो ये हमारा क्या है न्यूमरिक लेकिन जब इसको हम एस डॉट करेक्टर और नाइन uh, को लिखेंगे तो ये हमारा इसको एक कैरेक्टर के फॉर्म में चेंज कर देता है बदल देता है तो पेस्ट क्या करता है कि पेस्ट के आर्ग्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा हुआ है वह उसको इंटरनली एस डॉट करेक्टर के द्वारा करेक्टर में बदल देता है स्ट्रिंग में बदल देता है और वह उनको आपस में ट कर देता है अर्थात आपस में उनको उसी लॉजिकल उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने अपनी स्ट्रिंग को दिया है उनको आपस में ज्वाइन कर देता है और साथ ही उसमें अगर हमने सब का ऑप्शन दिया हुआ है सब की वैल्यू दी है तो उसी सेपरेटर के द्वारा वो उनको सेपरेट भी कर देगा और अगर हमारे आर्ग्यूमेंट में जो हमने अपने इनपुट दिए हुए हैं वो एक वेक्टर के फॉर्म में है तो वो क्या करेगा वेक्टर्स को टर्म बाय टर्म उनके जो करेक्टर है उसमें उसे ज्वाइन कर देगा और अगर हमने कोलैब्स की वैल्यू को अगर दिखाया हुआ है देन जो हमारा आउटकम आएगा वो हमारा आउटकम एक सिंगल स्ट्रिंग होगा अर्थात अगर हमने कई स्ट्रिंग को आपस में पेश करने की कोशिश करी है तो हमारे वो उसका जो आउटकम आएगा और उसमें साथ में अगर हमने कोलेब्स का भी इस्तेमाल किया है तो उसका जो आउटकम आएगा वो खाली एक सिंगल स्ट्रिंग होगा अर्थात उसमें खाली एक ही डबल कोट होगा और उसके अंदर सारी सारी वैल्यूज़ को आपस में जोड़ लिया जाएगा तो ये छोटी छोटी बातें देखी हैं ये हम आपको करके दिखाएंगे अब आप आपको मैं ब्रीफली फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि जो पेस फंक्शन होता है ये हमारी एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के काम आता है और यह एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करता है जिसमें वो सारी इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को आपस में जॉइन कर देता है और जो भी हमारे इस पेस्ट के जो भी आउटकम्स होते हैं उनको हमें एक एसाइबल एक वेरिएबल के अंदर भी असाइन कर सकते हैं अब पेस्ट के साथ में हमारा एक और कमांड होता है पेस्ट ज़ीरो देखिए मैंने लिखा है पी ए एस टी ई और ये लिखा हुआ है जे ज़ीरो है ये जो संख्या वाला ज़ीरो होता है वो नहीं है ये कैपिटल ओ ऐसा नहीं है तो ये जो पेस्ट ज़ीरो कमांड हमारा होता है ये हमारा एक्चुअली में आ, कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे हम क्लेब्स को अगर लिखते हैं तो ये जो पेस्ट के इक्वलन जो कमांड होगा ऐसा होगा पेस्ट इक्वल टू जो भी यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स होंगी फिर उसमें सेपरेटर दीजिए और साथ में मेंब्स दीजिए तो ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा पेस्ट ज़ीरो का कमांड है ये इस कमांड से ज़्यादा एफिशिएंट होता है लेकिन पेस्ट और पेस्ट ज़ीरो के कमांड में क्या फ़र्क होता है ये हम आपको उदाहरण के द्वारा जब समझाएँगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ओके तो चलिए अब हम अपने उदाहरण लेते हैं और इन कॉन्सेप्ट को आपको हम एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं अब देखिए पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि पेस्ट कमांड हमारा किस प्रकार से कार्य करता है ये तो हमने समझ लिया कि और मैंने आपको ये बता भी दिया कि पेस्ट के अंदर हम पेस्ट के ऑर्गूमेंट्स के अंदर हम जो भी देंगे वो उसको एज डॉट करेक्टर की तरफ़ चेंज करके उनको आपस में ज्वाइन कर देगा आपको याद है कि अगर हम कोई यहाँ पे ऐसा एक सिंट लिखते हैं वन कोलन एन तो ये क्या देता है हमको एक से लेकर के बारह तक की संख्याएँ दे देगा और ये आपकी क्या होंगी यह आपकी होंगी न्यूमरिक अब इसी संख्याओं को अगर हम पेस्ट कमान के अंदर लिख दें जैसे मैंने लिख दिया पेस्ट वन कोलन एंड ट्वेल्व तो देखिए ये जो हमारा आउटकम ऐसा आएगा लेकिन इस आउटकम में जरा ध्यान दीजिए हर एक नंबर देखिए एक डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि हर एक नंबर अब आपका कैरेक्टर हो गया है और इसका आप अगर मोड देखेंगे तो यहाँ पे जो आउटकम आया था वन कोलन ट्वेल्व ये तो न्यूमरी आएगा लेकिन इसका अगर आप मोड देखेंगे पेस्ट वन कोलन ट्वेल्व का तो ये कैरेक्टर आएगा मैं आपको आर सॉफ्टवेयर में इसको करके दिखाऊंगा अब इसी कार को जरा हम ऐसे करते हैं कि हम अपने वन से ट्वेल्व तक के नंबर लेते हैं और उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एज डॉट कैरेक्टर से अभी एस डॉट न्यूमर एस डॉट करेक्टर तो आपने बहुत बार इस्तेमाल किया है तो वही इस्तेमाल हम यहाँ भी कर रहे हैं तो क्या होगा कि वन टू थ्री फोर अप टू जो ट्वेल्थ तक के हमारे नंबर हैं हर एक नंबर हमारा एक करेक्टर में देखिए बदल गया लेकिन ये कार्य आपने अपनी इच्छा से किया है कि आप इनको करैक्टर में बदला है लेकिन पेस्ट हर एक नंबर को आ, को करेक्टर में बदलने के बाद कार्य करेगा तो आप देखिए यहाँ पे इनका जो ऑपरेशन है इसमें से आप देखेंगे इनका स्क्रीन शॉट से कि दोनों का ऑपरेशन का जो आउटकम है बिल्कुल सेम आता है तो चलिए हम आपको जरा सा ये कार पहले यहाँ पे करके दिखा दें जैसे कि अगर हम यहाँ से ले लें मानी वन से ट्वेल्व तक की वैल्यूज़ यह आपकी इस प्रकार की आ गई ओके अब हमने क्या किया इसका जरा सा आप मोड देखिए क्या होगा देखिए क्या होगा न्यूमरिक अब हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे कर दिया इन एक से ट्वेल्व तक की जो वैल्यूज है इनको मैंने पेस्ट कर दिया देखिए क्या हो गया हर एक में हमारा डबल कोट आ गया और अगर आप ये क्रॉस चेक करना चाहें कि इसका मोड क्या होगा तो आप यह देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए कैरेक्टर हो गया और जबकि ये जो वन टू ट्वेल्व नंबर्स थे इनका मोड न्यूमरिक था तो पेस्ट ने देखिए उसको बदल दिया और इसी काम को आप अगर जो आपने पेस्ट का काम किया है इसको आप पेस्ट कमान की जगह अगर आप एस डॉट कैरेक्टर के द्वारा करेंगे तो आपने ली दिया एज डॉट करेक्टर उसके बाद में कर दिया वन ओल एंड और देखिए तो यह आउटकम और यह आउटकम देखिए एक ही तो आ गया इसने हर एक नंबर को देखिए करेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इनको एक से बारह तक यहां पे प्रिंट कर दिया राइट right? तो देखिए यह तरीका है इस प्रकार से आपका पेस कमांड कार्य करता है अब हम आपको यहाँ पे जो हमारा स्टेप ऑपरेटर था उसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे तो सबसे पहले हम एक तीन स्ट्रिंग्स लेते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर उसमें स्टेप का ऑपरेटर लगाएंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रिंग ले ली एवरीबडी लर्व्ज़ आर प्रोग्रामिंग और इसको हमने देखिए हर को डबल कोर्स में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमारी स्ट्रिंग्स हैं और जब हम इनको पेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमको दे देगा एवरीबडी लर्व आर प्रोग्रामिंग एक सिंगल सेंटेंस राइट right. और आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पूरा एक खाली ये सिंगल स्ट्रिंग ही है अब ज़रा सा देखिए कि आपने यहाँ पे लिया है एवरीबडी के बाद एक आपका ब्रेक है लव्स के बाद एक आपका एक और ब्रेक है जहाँ पे आपने इन तीन स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करी है अब यहाँ पर आपने देखिए कोई भी सेपरेटर नहीं दिया है तो जैसा मैंने बताया कि पेस्ट कमांड जो ब्लैंक स्पेस है इसको डिफॉल्ट तरीके से सेपरेटर मान लेता है अब हम जरा सा इसमें अपनी इच्छा का एक सेपरेटर देते हैं और मैंने इसी कमान को मैंने यहाँ पे लिखा और साथ में मैंने कर दिया सेप इज़िकल टू से स्टार और उसको डबल कोर्स में लिख दिया अब देखिए आप अपना जो भी आउटकम देखेंगे इसमें से क्या हो गया जहाँ जहाँ पे आपका देखिए ये ब्लैंक साइन का उसने ब्रेक दिया था वहाँ पर ये स्टार आ गया और ये स्टार कहाँ से आया ये आपने यहाँ से दिया है कि सेपरेटर अर्थात आपने जो भी आपके तीन स्ट्रिंग्स थी उसको उसने ज्वाइन कर दिया लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ भी तो हमारे देखिए ब्लैंक स्पेस था यहाँ पे इसने क्यों नहीं स्टार दिया और यहाँ भी आप अगर देखिए तो यहाँ भी तो ब्लैंक स्पेस था यहाँ पे इसने स्टार क्यों नहीं दिया उसके पीछे कारण ये है कि आपने यहाँ पर ये यह जो आर प्रोग्रामिंग को एक ही आपने पूरा पूरा स्ट्रिंग लिया हुआ है तो यही आर जो प्रोग्रामिंग है जहाँ पे आपने देखी ये दो डबल कोर्स लिए हुए हैं यही पूरी पूरी एक स्ट्रिंग यहाँ पर आई है इसलिए इसने यहाँ पर इस जगह पर कोई स्टार इसने नहीं दिया राइट और इसी में अगर आप मान लीजिए अपने स्टार की जगह आप अगर कोई और एक सिंबल है जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया कि इक्वल्टी साइन को तीन बार लिख दिया है उससे सेपरेट करना चाहते हैं तो मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट उसके बाद वही कमा लिख दिया एवरीबडी लव्ज़ आर प्रोग्रामिंग और यहाँ पर यहाँ पर मैंने कर दिया ये इक्वल्टी साइन तीन बार तो देखिए जो आपका आउटकम आ गया यहाँ पर ये देखिए ये जहाँ जहाँ आपको सेपरेशन था यहाँ पे देखिए ये आपका यही वाला सिंबल तीन बार इक्वल्टी साइन का आ गया राइट तो चलिए अब हम आपको जरा सा इनको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं और देखिए ये इसका आउटकम भी है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा चलिए तो देखिए सबसे पहले हम अपना जो भी ये कमांड है इसको करते हैं यहाँ पे इसके बाद में अब हम यहाँ पर आ, एक जो सेपरेटर का ऑप्शन है उसको डालते हैं इक्वल टू से स्टार अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा देखिए एवरीबडी लव्स आर प्रोग्रामिंग तो जहाँ जहाँ पे हमारा ब्रेक था जहाँ जहाँ पे हमारा ज्वाइन हो रहा था ये तीनों स्ट्रिंग्स हमारी ज्वाइन हो रही थी वहाँ पर स्टार आ गया और इसी में आप अगर मान लीजिए आप अगर एक दो तीन चार पाँच स्टार दे देते हैं तो देखिए क्या होगा जो भी आपने दिया देखिए ऐसे आ गया नहीं पाँच स्टार देखिए यहाँ पे आ गए पाँच स्टार यहाँ पे आ गए आप अगर यहाँ पर अगर आप मान लीजिए ब्लैंक स्पेस भी आप अगर देना चाहते हैं एक दो तीन चार पाँच तो देखिए इसने आपको यहाँ पर पाँच की ब्लैंक स्पेस भी दे दी तो आपने देखा कि इसके द्वारा इस सपरेटेड कमांड को यूज़ करते हुए आप आउटपुट को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं राइट right. अब इसके बाद हम आपको एक और एग्जाम्पल के द्वारा अपने पेस्ट कमान का इस्तेमाल करना दिखाते हैं अब देखिए ये जो हमारा कुछ है जो एग्जाम्पल है इस प्रकार का है कि जैसे आपको एक डेटा वेक्टर में कुछ स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर ले लिया नेम्स उसमें हमने लिया हुआ है प्रोफेसर सिंह मिस्टर वेंकट और डॉक्टर झा ये मैंने तीन नाम लिखे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हम हर एक नाम के आगे ऐड करना चाहते हैं कि इज़ अ गुड पर्सन इसका मतलब यह है कि हम अपना पेस कमांड यूज़ करना चाहते हैं इस प्रकार से कि सबसे पहले वो पहला नाम जो है प्रोफेसर सिंह का उसको यहाँ पे लिख दे और फिर इसके आगे इज़ इस अ गुड पर्सन को ज्वाइन कर दे फिर वह मिस्टर वेंकट का नाम यहाँ पर लिख दे और फिर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये इज़ अ गुड पर्सन को ज्वाइन कर दे और फिर ये तीसरे स्थान पर ये डॉक्टर झाका नाम लिख दे और उसके बाद ये इज़ अ गुड अरसन करके यहाँ पे लिख दे तो ये किस प्रकार से किया जाए अब इसको हम देख आपको दिखाते हैं कि देखिए ये आर सॉफ्टवेयर में ये बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर पे लिखा पेस्ट और उसके बाद लिखा नेम्स तो नेम्स की कहाँ से आएंगे वैल्यूज़ यहाँ से और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इज़ अ गुड और अर्सन आप अगर चाहें तो इसको एक स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकते हैं एक ही डबल कोर्स में लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आ, एक आसान तरीके से सिखाना चाहता हूँ और उसके बीच में क्या क्या उसमें से परिवर्तन हो रहे हैं ये भी दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इस प्रकार से लिया हुआ है ओके अब आप उसको देखिए जब ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा इसने सबसे पहला नाम यहाँ से पिकअप किया प्रोफेसर सिंह और उसके बाद उसने इज़ अ गुड अर्सन ये जो तीन स्ट्रिंग्स हैं उनके साथ में ज्वाइन कर दिया और मुझे यहाँ पे आउटकम दे दिया मिस्टर सिंह प्रोफेसर सिंह इज अ गुड अर्सन अब इसके साथ में पहले जरा सा आप इसका आउटकम देखिए फिर हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे इसके बाद में इसने देखिए आपका जो दूसरा नाम था मिस्टर वेंकट उसको लिया और फिर से उसने इज़ अ गुड अर्सन को एक साथ ज्वाइन कर दिया इसने आउटकम दे दिया आपको मिस्टर वेंकट इज़ अ गुड अर्सन इसके बाद इसने क्या किया इसने जो थर्ड नाम था डॉक्टर झा इसको पिकअप किया और इसने यहाँ पे डॉक्टर झा इज़ अ गुड पर्सन इस अरसन, कर दिया अब आपको देखिए ये जो आप आउटकम यहाँ पे निकालना चाहते थे ये आउटकम आपको यहाँ पर मिल गया लेकिन ज़रा सा एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आपके पास तीन तरह के थे नाम और आपने यहाँ पे तीन वाक्य तैयार करे हैं और हर एक वाक्य अपने में एक स्ट्रिंग है अब देखिए एक आपका डबल कोट ये है एक डबल कोट ये है दूसरा डबल कोट आपका देखिए ये है ये जो दूसरे स्टेटमेंट को डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर रहा है उसी प्रकार से तीसरा देखिए जो है वो ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर सिंह इज अ गुड पर्सन मिस्टर वेंकट इज़ अ गुड पर्सन और डॉक्टर झा इज़ अ गुड पर्सन ये आपके तीन अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं ये आपको ध्यान देना है क्यों आगे हम आपको कुछ करके दिखाएंगे तो ये कुछ अंतर भी आएगा तो देखिए पहला स्टिंग आपका यह हो गया इज अ गुड अर्सन दूसरा आपका हो गया मिस्टर वेंकट इज अ गुड अर्सन और तीसरा हो गया डॉक्टर झा इज अ गुड अर्सन अब हम इसी उदाहरण में हम कोलेप्स का इस्तेमाल करते हैं राइट इसका क्या कार्य होता है ये अगर हमारे पास जो भी हमारे डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं ये उनको जो भी उनका टॉप लेवल सेपरेटर होता है उसके साथ में ये करता है और पेस के अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको ये आपस में जॉइन करके आपको खाली एक सिंगल स्ट्रिंग देगा जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आपने जब चीज़ों को जॉइन किया तो ये हमारी तीन अलग अलग स्ट्रिंग बन गई लेकिन ये क्या करेगा कि आप यहाँ पे जो भी अपना ऑप्शन देंगे कि कि कौन से ए, वर्ड के साथ में हम इसको कॉलेब्स करना चाहते हैं यह उसके साथ में उनको ज्वाइन कर देगा और ये उनको आपस में चिपका देगा और उसका जो आउटकम होगा वह खाली एक ही स्ट्रिंग होगा जैसे देखिए हम आपको ये उदाहरण के द्वारा समझाते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा मैंने देखिए यहाँ पर यही वाला नाम लिया हुआ है प्रोफेसर सिंह मिस्टर वेंकट और डॉक्टर झा और यही एग्जाम्पल यहाँ भी लिया हुआ है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इज़ अ गुड पर्सन अब साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर एक ये कमांड और यूज़ की एडिशनली कोलैप्स यहाँ पे क्या लिखा देखिए डबल कोर्स के अंदर कॉमा और ये एंड इसको मैंने एक ये काले रंग के बॉक्स में दिखा दिया सो दैट कि मैं आपको समझा सकूँ कि ये एंड का ऑपरेटर कहाँ कहाँ आ रहा है अब देखिए जरा ये किस प्रकार से कार्य करता है इसने सबसे पहले पहला वाला लिया नाम यहाँ से लिया नेम्स में और उसके आगे लिखा था इज़ अ गुड पर्सन तो इसने पहले लिख दिया प्रोफेसर सिंह इज़ अ गुड पर्सन और फिर उसने देखिए ये जो लिखा हुआ था आपका कॉलेब्स के अंदर ये कॉमा और ये एंड उसको उसने लिखा और फिर उसने लिख दिया दूसरे नाम के साथ में उसको ज्वाइन कर दिया मिस्टर वेंकट इज़ अ गुड पर्सन और फिर से उसने ये कॉमा और एंड को लिया और यहाँ पे जॉइन कर दिया और आगे लिख दिया डॉक्टर झा इज़ अ गुड पर्सन लेकिन जरा आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कोट देखिए डबल कोट यहाँ पे है और दूसरा डबल कोट यहाँ पे है इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इन तीनों सेंटेंसेस को इस कॉमा और एंड के द्वारा ज्वाइन करके एक ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा देखिए कार्य होता है हैलैप्स का अभी हम आपको कुछ और भी उदाहरण लेंगे उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा और देखिए ये आपका एग्जाम्पल है राइट देखिए यहाँ पे ये जो आपका है ना कॉमा एंड कॉमा एंड ये देखिए आ रहा है और फाइनली इसमें एक डबल कोट यहाँ पे है एक डबल कोट यहाँ पे है राइट अब उसी के साथ में चलिए हम आपको इसका जो सेपरेटर का एक और उदाहरण देते हैं और जहाँ पर हम आपको ये बताने की कोशिश खाली कर रहे हैं कि सेपरेटर के अंदर आप जो भी डबल कोट्स में लिखते हैं उसके अंदर आप कोई नाम सिंबल के साथ में आप उसमें स्पेस को भी काउंट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आप स्पेस को अलग अलग चेंज करते हैं तो उसका आउटकम किस प्रकार से चेंज हो जाता है तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा उदाहरण लिया पेस्ट फिर लिखा है नंबर एक उसके बाद में डबल कोर्स में लिखा हुआ है इज़ द फर्स्ट फिर लिखा है नंबर दो और फिर लिखा है इस सेकेंड और फिर लिखा है नंबर तीन और फिर लिखा है इस थर्ड और यही कार मैंने अगले कमांड में भी किया हुआ है लेकिन मैंने इतना किया है कि अगले कमांड में मैंने यहाँ पे देखी ये स्पेस दे दी है इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आगे राइट और इन तीनों को मैंने सेपरेटर में यूज़ किया है, है हैश तो अब इसका आप अगर आउटकम देखेंगे तो देखिए कैसा दिखाई पड़ेगा ये सबसे पहले चलेगा वन हैश इज़ फर्स्ट देन उसके बाद में फिर से हैश से उसको ज्वाइन करेगा और फिर करेगा देगा टू हैश इस सेकेंड और फिर हैश थ्री हैश इस थर्ड तो देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस है दिखाई इतनी इतनी है जो आपने यहाँ पर दी हुई है आपने दी यहां है यहाँ पर देखी ये ये और ये अब इसी स्पेस को जब आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है इसको मैं एक लाल रंग से दिखा देता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए तो देखिए जब आप इसको करेंगे तो देखिए आपको ये आउटपुट आएगा और देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है कि फ़र्स्ट के बाद में ये जो स्पेस को बढ़ा दिया सेकंड के बाद में ये स्पेस बढ़ा दिया और थर्ड के बाद इसने ये स्पेस बढ़ा दिया और दोनों केसेस में ये देखिए ये ये पूरा पूरा सेंटेंस आपका डबल कोर्स के अंदर ही अर्थात ये दोनों आपको एक ही स्ट्रिंग दे रहे हैं तो देखिए आपको मैं यही दिखाना चाहता था कि आप अगर स्पेस को भी देंगे तो भी आपका कार्य चल जाएगा राइट अब हम आपको जरा सा ये वाले उदाहरण भी करके दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए तो सबसे पहले चलिए हम अपने इन नेम्स को यहाँ पे का जो वेक्टर तैयार कर लेते हैं तो देखिए आपको नेम्स क्या हो गए प्रोफेसर सिंह मिस्टर वेंकट और डॉक्टर झा उसके बाद में आपने यहाँ पे पेस्ट कमांड को, को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कर दिया पेस्ट देखिए आ जाएगा इस प्रकार से प्रोफेसर सिंह इज़ अ गुड अर सर में से उसी तरह से आपके बाकी दो सेंटेंस भी आ जाएंगे अब देखेंगे ये तीनों हमारे एक एक स्ट्रिंग अलग अलग है हर एक लाइन पर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है अब इसी के अंदर हम अपना कोलैप्स का इस्तेमाल करते हैं राइट और कोलैप्स में हम क्या करते हैं कि हम इसमें से कॉमा और एंड का ऑपरेटर दे देते हैं देखिए किस प्रकार से हो गया देखिए ये कॉमा एंड यहाँ पर आ गया उसी प्रकार से आगे भी आपका इसी प्रकार से इसमें कॉमा एंड आ जाएगा राइट तो इस प्रकार से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अब हम आपको ज़रा सा ये जो पेस्ट वाला भी हमारा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम स्पेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसको भी हम दिखा देते हैं जैसे आपने देखिए ये किया अब इसी में देखिए आपने क्या किया कि अपने इस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के आगे ये आपने स्पेस बढ़ा दी देखिए और बाकी सब हमारा ठीक है देखिए अब इतना हो गया देखिए स्पेस यहाँ पे आपकी बढ़ गई ये स्पेस बढ़ गई राइट तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम इन कमांड्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम आपको कुछ और छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और इसमें सेपरेटर और कोलैप्स के बारे में और विस्तार से बताते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है जिसमें पहला हमारा जो वर्ड है वो है ई एक्स जैसे कि आप मान सकते हैं एक्सरसाइज और उसके आगे मैंने नंबर लिया है वन गोल्डन फाइव ये कितना है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा नंबर है और उसके बाद मैंने लिखा है सेपरेटर इज इक्वल टू अंडर स्कोर और इसको मैंने डबल कोर्स में लिख दिया है अब इसको जब मैं पेश करता हूँ देखिए तो क्या होगा एक्सरसाइज यहाँ से आएगा सेपरेटर देखिए यहाँ से आएगा और इसके बाद में वन यहाँ से आएगा और ये कर देगा आपको इस प्रकार का आउटपुट ई एक्स अंडर स्कोर वन उसी प्रकार से यही प्रोसेस हमारी आगे बढ़ेगी ये ई e एक्स हमारा यहाँ से आएगा और उसके बाद जो सेपरेटर है वो यहाँ से आएगा और नंबर टू जो हमारा इसमें से वन टू थ्री फोर फाइव में सेकेंड वैल्यू दी है वहाँ से आ जाएगा और ये आपको ई एक्स अंडर स्कोर टू दे देगा उसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा फिर से आपके पास यहाँ पे ई e एक्स आएगा सेपरेटर आएगा और नंबर तीन जो इस सीकवेंस uh, में थर्ड वैल्यू है वहाँ से पिकअप कर लेगा और इसी प्रकार से ये ई एक्स अंडर स्कोर फोर और ई एक्स अंडर स्कोर फाइव का आपको आउटकम दे देगा लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो देखिए सभी की यहाँ पे हा, हा, हमारे पास यहाँ पांच स्ट्रिंग है और ये हर एक स्ट्रिंग हमारी डबल कोर्स से इंक्लोज है राइट तो आप देखिए अगर तो आपकी पहली स्ट्रिंग कौन सी है ये है नंबर वन दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है ये है नंबर टू तीसरी कौन सी है ई एक्स थ्री नंबर थ्री चौथी कौन सी है ई एक्स फोर नंबर फोर और पांचवी कौन सी है ई एक्स फाइव नंबर फाइव अब इस आउटपुट को मैंने एक ये एक एक्स वैक्टर में स्टोर कर लिया है अब हम आपको यहाँ पे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आउटपुट वेक्टर से आप अगर किसी पहली दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी वैल्यू को कॉल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए ये बहुत ही आसान तरीका है आपने इसका नाम लिखा वेरिएबल का एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इसकी जो लोकेशन है या इंडेक्स है उसको लिख दिया वन तो देखिए ये जो पहली वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी ई एक्स अंडर स्कोर वन उसी प्रकार से जब आपने लिखा x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया दो तो देखिए ये जो आपकी दूसरी वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी उसी प्रकार से आप अगर तीसरी वैल्यू को निकालना चाहें तो आप लिख दिए तीन और उसी प्रकार से आप अगर पाँचवीं वैल्यू को देखें तो देखिए यही तो आपकी पाँचवीं नंबर की ये वैल्यू है अब इसी में अगर हम साथ में यहाँ पे कोलैप्स का इस्तेमाल कर देते हैं को देखिए क्या होगा जो मैंने पहले का लिया हुआ है ई एक्स डबल कोर्स में वन टू फाइव और सेपरेटर वही सेपरेटर लिया हुआ ये आप अगर ध्यान दीजिए तो ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर उदाहरण में लिखी हुई है अब इसी के साथ में हम जब यहाँ पे कोलैप्स का इस्तेमाल कर देते हैं तो देखिए क्या होता है जो हमारा आउटकम पहले अलग अलग आ रहा था ये देखिए आपस में कपट गया और देखिए यहाँ पे ई एक्स वन ई एक्स टू ई एक्स थ्री ई एक्स फोर के बीच में कोई स्पेस नहीं बची है और साथ ही आपका देखिए डबल कोट यहाँ पे खाली यहाँ पे और यहाँ पर है अर्थात ये खाली हमारी सिंगल स्ट्रिंग है राइट right. और अगर सिंगल स्ट्रिंग अगर है तो अगर आप यहां पे लिखोगे x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे वन तो तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा लेकिन अगर आप यहां पे लिखोगे x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे टू तो आपको यहां पे मिलेगा एन ए क्योंकि वो वैल्यू यहां पे है ही नहीं राइट right. तो अब ये देखिए दोनों चीजों को मैंने आपको यहां पर आसानी से समझाने के लिए मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है नहीं आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाली सपरेटर लिखा हुआ है तो आपके पास देखिए यहाँ पे सेपरेशन है राइट और ये आपकी अलग अलग एक दो तीन चार पाँच स्ट्रिंग्स हैं लेकिन जब मैंने यहाँ पे कोलैप्स को ऐड कर दिया है इसी कमांड में ये तो पूरा हमारा सेम है ये और ये जब कोलैप्स को कर दिया है तो इसमें से इनके जो बीच की स्पेस है वो देखिए ख़त्म हो गई और देखिए यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है और ये हमारी देखिए ये सिंगल स्ट्रिंग हो गई तो यही बात मैं आपको दिखाना चाहता था कि सेपरेटर और कोलैप्स के फंक्शन से आपको किस प्रकार से सहायता मिलती है राइट right. अब हम चलिए आपको ये वाले उदाहरण पहले करके दिखा दें और उसके बाद में फिर हम आपको इस लेक्चर का एक और कमांड बताएंगे और उसके बाद में हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे तो सबसे पहले मैंने देखी यहाँ पे ये कर लिया आपका ई एक्स वाला जो फेस वाला था और तो देखिए आपकी एक्स की क्या वैल्यू आ गई देखिए इस प्रकार से आ गई अब इसी में हम अपना जो हमारा अगला ऑप्शन था कि इसी में हम कोलेप्स को भी ऐड कर देते हैं देखिए अब एक्स की क्या वैल्यू आ गई देखिए ये जो आपके बीच की स्पेसिंग थी ये देखिए खत्म हो गई और ये सारी की सारी वैल्यू हमारी एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर गई और इसने आपको खाली एक ही स्ट्रिंग दे दिया इसके लिए आपके पास यहाँ पे देखिए सिंगल पेयर ऑफ डबल कोट है मतलब एक यहाँ पे डबल कोट है एक यहाँ पे डबल कोट है अर्थात ये आपकी खाली एक ही स्ट्रिंग है और यहाँ से आप अगर देखना चाहेंगे तो अगर आप यहाँ पे करोगे x ब्रैकेट में करोगे वन तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये वाली वैल्यू लेकिन आप यहाँ पे अगर करोगे x इक्वल टू टू तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा राइट उसकी जगह आप अगर ये जो आपका पहले वाला कमांड था इसको आप अगर एग्जीक्यूट करते हो तो देखिए यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ रही है ये इस प्रकार से आई और यहाँ पर आप अगर से अगर यहाँ पे अपना x1 को निकालोगे तो देखिए इस प्रकार से आ गया और अगर आप यहाँ पे x2 को निकालोगे तो जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी उसी प्रकार से आप अगर तीसरी वैल्यू को निकालोगे तो ये आ जाएगी और उसी प्रकार से आप अगर चौथी और पाँचवीं वैल्यू को अगर निकालना चाहोगे तो देखिए जो आपके उस आउटकम में ये चौथी और पाँचवीं वैल्यू आपको यहाँ पर ये, दिखा ये देखिए दिखाई दे जाएंगी राइट right. तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं ये अब आपको मैं एक और उदाहरण लेता हूँ और इसके द्वारा मैं आपको ये पेस्ट और पेस्ट ज़ीरो ये जो हमारे दो, दो कमांड थे उसके बारे में बताना चाहूँगा तो पेस्ट ज़ीरो हम ऐसे लिखते हैं पी ए एस टी ई ज़ीरो ये हमारा शून्य है नंबर और यहाँ पे हमने खाली लिखा हुआ है पेस्ट और देखिए हमने क्या किया है कि हमने ये एक से दस तक के नंबर लिखे हुए हैं और दोनों के ऊपर हमको पेस्ट और पेस्ट जीरो का ऑपरेशन करना है तो एक्चुअली में जब हम खाली एक ही वेक्टर के ऊपर पेस्ट या पेस्ट जीरो का ऑपरेशन करते हैं देन दोनों का हमारा आउटकम सेम आता है और दोनों वैसे ही कार्य करते हैं कि अपने उस नंबर को एज डॉट करेक्टर के द्वारा करेक्टर में बदल देते हैं इसीलिए आप अगर देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे पेज जीरो और पैरेंथिस में लिख दिया वन वन टेन और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट और वन कोलन तो दोनों का देखिए आउटकम सेम आ गया जैसे देखिए आपने यहाँ पे लेकिन अब इसमें से फिर अंतर क्या है अंतर के लिए मैं आपको देखिए ये वाला एक उदाहरण दिखाता हूँ सपोज मेरे को प्रिंट करना है जैसे होता है ना हम लोग लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इत्यादि तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है आपका ये पहला नंबर है एक दो तीन चार पाँच करके और उसके बाद में वन के ऊपर लिखा हुआ है एस टी दो के ऊपर लिखा है एन डी थर्ड पर लिखा हुआ है तीन पे लिखा हुआ है आर डी और उसके बाद फोर फाइव सिक्स इत्यादि में आगे तक टेंथ तक लिखा हुआ है टी एच तो ये काम हम पेस्ट फंक्शन के द्वारा कैसे करें तो इसी कार्य को हम आपको ज़रा सा पेस्ट और पेस्ट ज़ीरो के द्वारा करके दिखाते हैं फिर देखते हैं दो, दोनों में दोनों में क्या उत्तर आता है और दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई पड़ेगा तो सबसे पहले मैंने लिखा देखिए पेस्ट ज़ीरो और मैंने यहाँ पे लिख दिया वन ओलन टेन अर्थात एक से लो के दस तक की संख्याएँ और फिर मैंने एक डेटा वेक्टर लिया जहाँ पर देखिए मैंने ऐसे लिखा मैंने पहली वैल्यू लिखी एस टी दूसरी वैल्यू एन डी तीसरी वैल्यू आर डी और उसके बाद मुझे चौथी से लेकर के दसवीं तक चाहिए था टी एच जैसे ये है ना फर्स्ट का हो गया एस टी सेकेंड का हो गया एन डी थर्ड का हो गया आर डी और उसके फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एथ नाइन्थ टेंथ का आपका हो गया टी एच ये मुझे लिखना है तो देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे दे दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ नाइन्थ और टेंथ अब यहाँ पे हमने इसी कमान को करा मैंने खाली पेस्ट के साथ में इस्तेमाल किया तो देखिए यहाँ पे हमने दिया पेस्ट वन टू टेन और यही डेटा वेक्टर दिया लेकिन जब जरा इसका आउटकम देखिए इसने क्या किया कि जब ये दो चीज़ों को आपस में पेश कर रहा है तो उसने इनके इनके बीच में स्पेस दे दी फर्स्ट में फर्स्ट वन और एस के बीच में सेकेंड में टू और एन के बीच में थर्ड में तीन और आर के बीच में फोर्थ में फोर और टी के बीच में और इसी प्रकार से पाँच छः सात आठ नौ दस में भी उसने आ, उसने टी के बीच में एक जगह दे दी तो अगर आप यहाँ पर कॉलेब्स को, को इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये स्पेस आपकी कम हो जाएगी तो यह स्पेस जब उसके द्वारा कम हो जाएगी देन आपको वही आउटकम मिलेगा और यही बात मैंने आपको शुरू में समझाने की कोशिश करी थी कि इतना सारा करने से बेटर है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस जीरो को इस्तेमाल कर लें जो हमारा ज़्यादा एफिशिएंट होगा और यही देखिए इसका आपका यहाँ पर स्क्रीन भी दिया हुआ है तो चलिए जरा सा हम आपको ये वाला कमांड अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि आ, कि इनका दोनों का कैसा उनका आउटकम आता है तो हम इस कमान को देखिए यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको यहाँ दिखाते हैं तो देखिए है। ये कमान ऐसे आ गया फर्स्ट यहाँ यहाँ पे मैंने यूज़ किया पेस्ट ज़ीरो अब इसी कमान में देखिए हम इसमें इसमें से यहाँ पेस्ट जीरो में से हम पेस्ट हटा देते हैं मैं ज़ीरो हटा देते हैं और ये बन जाएगा पेस्ट तो देखिए क्या उत्तर आ गया दोनों के बीच में एक स्पेस आ गई राइट तो देखिए ये फ़र्क होता है पेस्ट और पेस्ट ज़ीरो के बीच में जो हमारा आउटकम आता है ओके तो अब हम चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं और आपने देखा कि ये बहुत ही आसान सा हमारा लेक्चर था जहाँ पर हमने खाली पेस्ट कमान की ही बात करी है लेकिन जो हमारे आउटकम है वो बहुत ही उपयोगी है और आप देखेंगे जब भी आप कभी रियल लाइफ में किसी रिपोर्ट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार के आपको बहुत सारे कार्य वहाँ पर दिखाई देंगे अब अब आप आपके पास दो ऑप्शन हैं या कि अगर आप उन कार्यों को करना चाहते हैं तो आप उनको करने के लिए आप अपना ही प्रोग्राम लिख लो और दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस प्रकार से आपकी ये जो हमारी कमांड हैं पेस्ट सपरेटन इत्यादि ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं इनकी कार्य शैली को आप समझ लीजिए और अपने उस आउटपुट को निकालने के लिए आप अपने कमांड्स को एडजस्ट कर लीजिए तो चूंकि ये अभी एलिमेंट्री कोर्स है तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूरा पूरा फंक्शन फिर से लिखिए लेकिन आप अभी अगर, अगर अपने जो हमारे इनबिल फंक्शंस हैं उनकी सहायता से अगर अपनी रिपोर्ट को जनरेट करने की कोशिश करें तो उसके द्वारा आप आर को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो अब इस लेक्चर के बाद तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उदाहरण क्रिएट करने के लिए आप जिस जगह पे काम करते हैं जिस प्रकार का काम करते हैं आपका जो भी कुछ आपके सामने टाइप किया हुआ मैटर रखा हुआ है आप उसको देखिए और सोचिए कि हम उसको आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं आपने अब तो बहुत सारे इस फॉर्मेटिंग के, के जो कमांड्स होते हैं प्रिंट कैट पेस इत्यादि सब पढ़ लिया है तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पर मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए गुड बाय